आज की वीडियो में हम बात करेंगे स्टीविया प्लांट के बारे में। स्टीविया का जो बीज है, अगर आप बीज से ग्रो करते हैं तो आपने 4 महीने जेन में रखने हैं। अगर मैं इसको ऐसे जमीन में दबा दूं तो यहाँ से इसकी जड़ें निकलेंगी और पीछे से हम काट सकते हैं, इसको बोलते हैं लेयरिंग। इस वक्त हम क्या उसको अगर उगाना चाहें तो क्या तरीका है, अगर आपने पत्ते यूज करने हैं तो कटिंग करके कैसे लगाते हैं, इसके पत्तों को इस्तेमाल कैसे करते हैं, इसको ड्राई कैसे करते हैं, ये भी मैं आपको साथ साथ बताऊंगा। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपका जावेद इकबाल। आज 25 जून 2024 है। आज की वीडियो में हम बात करेंगे स्टीविया प्लांट के बारे में। आप सब की ख्वाहिश मेरी तरह यकीनन रहती होगी कि आपके घर में स्टीविया प्लांट हो, आप उसके पत्ते यूज़ करें, आप उसको चीनी का मुतबादल यूज़ करें, और स्पेशली हमारी वो बहनें भाई, वो बुज़ुर्ग जो कि डायबिटीज़ का शिकार हैं, वो अक्सर कन्विंस्ड हैं और राइटली कन्विंस्ड हैं कि वो स्टीविया का इस्तेमाल करें। यानी कि स्टीविया एक स्वीटनर है, बट इसका जो ग्लाइसेमिक इंडेक्स है वो ऑलमोस्ट ज़ीरो है। यानी कि स्टीविया का जो मिठास है ये मीठा करता है चीज़ को, लेकिन जो इसके अंदर मुज़र चीज़ होती है जिसको ग्लाइसेमिक इंडेक्स बोलते हैं, वो इसका बिल्कुल ज़ीरो है। आप इसको गूगल कर सकते हैं। यानी कि आप मिठास इंजॉय करेंगे, लेकिन वो जो मीठा होने का नुकसान है, यानी कि शुगर खाने का नुकसान है, वो आपको नहीं होगा। ओके, हम आते हैं इसको उगाने की तरफ। अच्छा जी, पहली बात याद रखें, स्टीविया का जो बीज है, अगर आप बीज से ग्रो करते हैं तो आपने 4 महीने जेन में रखने हैं। नवंबर, दिसंबर, जनवरी और फरवरी, मैक्सिमम मार्च, इन ठंडे महीनों में आप स्टीविया का बीज ग्रो कर सकते हैं। स्टीविया का बीज बहुत बारीक होता है और थोड़ा सा मुश्किल होता है इसको ग्रो करना, और बड़े नफासत के साथ, ऐसे जैसे छोटे बच्चे को आपने हैंडल करना होता है, ऐसे इसके बीज को हैंडल करते हैं, और थोड़ी सी केयर के साथ, अच्छी वाली केयर, तो ये ग्रो हो जाता है। इसके ऊपर अलग से मैं वीडियो बनाऊंगा। आज चूंकि गर्मी है, जून का महीना है, आज 25 जून है, तो आजकल इसका बीज ग्रो नहीं कर सकते, इसलिए मैं बीज बनाने वाली एक्शन है उसको नेक्स्ट वीडियो में पेंट करूंगा, उन दिनों में बना के दिखाऊंगा जब इसके बीज ग्रो करने का वक्त होगा। इस वक्त आप क्या कर सकते हैं, अगर आप इस वक्त पौधा चाहते हैं स्टीविया का, तो नर्सरी पे जाइए, 50 रुपये से लेके और 150 रुपये तक, 200 रुपये तक और इवन 500 रुपये तक आपको पौधे की मुख्तलिफ कीमतों में मिल जाएगा। छोटा पौधा होगा, कप में उगा होगा, तो 50 रुपये का मिल जाएगा। अगर वो कोई 6 इंच 8 इंच के गमले में होगा तो हो सकता है आपको 150-200 रुपये का मिल जाए, और अगर वो 12 इंच पॉट में बड़ा ग्रोन पौधा, हेल्दी बुश बनी हुई है, तो वो आपको 1000-1200 का भी मिले तो महंगा नहीं है, बिल्कुल सही है। अच्छा जी, अब बात करते हैं कि इस वक्त हम क्या उसको अगर उगाना चाहें तो क्या तरीका है। अभी मैं आपको क्लोजअप दिखाऊंगा कि स्टीविया का एक छोटा सा बेबी प्लांट मैं लेकर आया था कप में, और वो माशाल्लाह अब एक लंबी स्टेम बन गई। इंटेंसली मैंने उसको ऊपर से काटा नहीं, और उसको मैंने यानी कि झाड़ीदार पौधा नहीं बनाया, ताकि मैं इस वीडियो में आपको दिखा सकूँ कि अगर आप ये इसकी कटिंग शटिंग नहीं करते हैं तो कैसा होता है, और कटिंग करके कैसे लगाते हैं वो भी अब बात करेंगे, और इसके पत्तों को इस्तेमाल कैसे करते हैं, इसको ड्राई कैसे करते हैं, ये भी मैं आपको साथ साथ बताऊंगा। तो अभी मैं आपको क्लोजअप दिखाता हूं। वो पौधा जो मैं छोटा सा, कोई 3 इंच 2-2.5 इंच का होगा, कप में उगा हुआ था, मैं लेके आया था, इस मैंने सॉयललेस मीडिया इस पौधे इस गमले के अंदर, और इसमें मैंने लगाया था, और वो बेहतरीन चल रहा है। अच्छा जी, ये आप देख रहे हैं, ये एक टहनी है, ये पूरा एक पौधा है स्टीविया का। ये मैं इसको हटा के आपको दिखाता हूँ, यहाँ से ये स्टार्ट हो रहा है और ये यहाँ से ये टहनी यहाँ तक आ रही है, और ये आप आगे देखें माशाल्लाह ये कितने अच्छे इसके पत्ते फ्रेश बन गए। ठीक है, तो ये तकरीबन अगर मैं हिसाब लगाऊँ तो तकरीबन 2.5 फुट बड़ा हो चुका है। ये अगर मैं खड़ा करूँ तो वो ऐसा है, वो खुद लेट गया, तो इट्स ओके, फाइन है। ओके, इसको दो तरीके हैं। एक तो मैंने कुछ 2-3 दिन पहले एक वीडियो अपलोड की थी पुदीना लगाने की, तो ये वही पुदीने वाली ट्रे है। अगर मैं इसको ऐसे ज़मीन में दबा दूं तो यहाँ से इसकी जड़ें निकलेंगी और पीछे से हम काट सकते हैं, इसको बोलते हैं लेयरिंग। तो इस लेयरिंग से भी ये पौधा तैयार हो सकता है, लेकिन हमें चूँकि इसके पत्ते चाहिए होते हैं, तो अभी आप देखिएगा कि मैं इसको यहाँ से बिस्मिल्लाह रहमान रहीम काट रहा हूँ, ये ले। ठीक है जी,
अब हमें चाहिए बेसिकली ये वाले पत्ते। तो अभी हम पत्तों को करेंगे हार्वेस्ट, यानी कि पत्तों को हम ड्राई करने के लिए उतार लेंगे। पत्तों को उतारने के दो तरीके हैं, या तो आप इस अंगूठे की मदद से, नीचे को नहीं खींचना, उसकी रीज़न मैं आपको बताता हूँ। ये देखें, ये पत्ते मैंने निकाल लिए, ये पत्ते आपने नफासत से उतार लेने हैं। उसके बाद अगर तो पौधा आपका धुला हुआ है, साफ़ है, आपने इसको पहले वॉश किया है, या आप नहलाते रहते हैं पौधों को, तो इट्स ओके, पत्तों को आप इसी तरह ड्राई करेंगे। और अगर आप पत्तों को आपको आप लगे कि इसके ऊपर डस्ट है, तो फिर आपने पहले इनको धो लेना। और ये जनाब, यहाँ तक ये सारे मैंने, ये असल में ये पत्ते हैं इस्तेमाल करने वाले। इसको इस्तेमाल कैसे करते हैं, ये ऊपर से टिप मैंने उतार ली है। अब ये डंडी जो है ना, अब हमारे पास बच गई है। ये हमारे पास है जी मौजूद इस वक्त ये पत्ते और ये वाली टहनी। ये पत्ते हम इसी तरह भी इस्तेमाल कर सकते हैं, चाय के अंदर भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन इसको एक इस्तेमाल करने की टिप है। इसकी जो स्वीटनेस है, जो इसकी मिठास है, ये उस वक्त बाहर आएगी जब आप इसको बॉइलिंग वाटर में डालेंगे, या बॉइलिंग पॉइंट पे कोई भी लिक्विड होगा उसमें डालेंगे। तो चाय जब बॉयल हो रही हो, तो ये दो से तीन पत्ते आप उसके अंदर डाल दें, तो आपकी चाय इंतहाई मीठी हो जाएगी। इसके बारे में कहा जाता है कि ये 200 से 300 गुना ज़्यादा मिठास रखता है अपने अंदर एज़ कम्पेयर टू वाइट शुगर। हमारी जो नॉर्मल चीनी या शक्कर होती है, उसके मुकाबले में 200 से 300 गुना ज़्यादा मिठास होती है। ये तब आएगी जब आप इसको उबलते हुए पानी में डालेंगे। दूसरा तरीका ये है कि आप इनको इसी तरह ड्राई कर लें ठंडी, और यानी कि डार्क एंड कूल प्लेस, यानी कि किसी बंद कमरे में, ठंडी जगह पे, साए में इसको खुश कर लें। तो ये 4 से 5 दिन के अंदर ऐसा हो जाएगा कि बिल्कुल कड़क ड्राई हो जाएंगे। फिर आप इनको पीस लें, हाथ से भी ये बिल्कुल पीसे जाते हैं, या ग्राइंडर में डाल के आप इनको पीस लें। ये तो हो गया इसका इस्तेमाल। अगर आप इनका पाउडर, बाय द वे आपको कुछ दिनों तक इसका जो प्योर पाउडर है स्टीविया लीव्स का, वो greengardens.pk पे अवेलेबल होगा प्योर फॉर्म में। अच्छा, उसको इस्तेमाल कैसे करना है? 1/8 हिस्सा चाय का जो चम्मच है, 1/8 teaspoon, वो आपने एक कप चाय के अंदर डालेंगे। तो चाय चूँकि गर्म होगी, तो उसके अंदर आप हल करेंगे तो वो मिठास बन जाएगी पाउडर की। अगर आपने पत्ते यूज़ करने हैं, तो आपने बॉइलिंग पॉइंट के अंदर इसको डालना है, तब इसका जो है ना मिठास हो ज़्यादा होगी। ओके, अभी आते हैं इसकी कटिंग की तरफ। ये जनाब मेरे पास कटिंग है, ये मैंने ये 45 डिग्री के एंगल पे, नॉर्मली हम कटिंग को इसलिए काटते हैं ताकि ऐसे प्रेस करें तो बहुत ज़्यादा रेजिस्टेंस की वजह से, या अगर सम टाइम मट्टी सख्त होती है तो ये आगे से ज़ख्मी ना हो। तो ये जहाँ जहाँ से इसकी, ये देखें पत्ते मैंने काटे हैं, वहाँ से इसकी पोटेंशियल्स हैं नए टहनियाँ निकलने की। तो ये एक आँख, दूसरी आँख, तीन, यानी कि 3 बड्स मैंने इसको काट लिया ऐसे, ठीक है जी। एक, फिर इसी तरह 3 या 4, यानी कि इसकी 2 से 3 इंच की ये हमारे पास 3 कटिंग्स बन गई है जी, ये आ गई, ठीक है। ओके, अभी मैं आपको क्लोजअप दिखाता हूँ कि इसको लगाना कैसे है और कितना सिंपल है। अच्छा जी, ये 3 मेरे पास कटिंग्स थी, और ये ऑलरेडी मैंने मट्टी नरम की हुई है। तो अगर आपके नरम ना हो मट्टी, तो उसको नरम करें, और उसके बाद आप, मैंने ये 3 बना दिए इसके होल्स। अगर ये ना भी बनाएं, तो ये खुद ब खुद, चूँकि नीचे से 45 डिग्री के एंगल से हमने काटी थी, तो इनको मैं दबा दूंगा। ये ले जी, ये सिंपली मैंने इनको ऐसे दबा दिया। तो एक ये तरीका है, एक और आपको तरीका बताने वाला हूँ, और वो ये कि आप इसको थोड़ा सा डायगोनल इसको दबा दें, ये जिस तरह पुदीने को दबाते हैं, ताकि एक तो उसको यानी कि वो बहुत ज़्यादा डीप नहीं होगी, स्ट्रेस नहीं आएगा, और दूसरा ज़्यादा जो स्टेम का हिस्सा है वो मट्टी के साथ इंटैक्ट हो जाएगा। तो ये मैंने इस तरह से दबा दिया, और ये इंशाल्लाह कुछ दिनों तक ग्रो करेगा। अभी आपने करना क्या है कि जब तक इसकी नई शाखें नहीं निकलती, तब तक 100% आपने इंश्योर करना है कि इसकी जो मट्टी है वो नम रहे। अभी आप इसको पानी शानी लगा देंगे नेचुरली, वो बताने की ज़रूरत नहीं, आप भी लगा दीजिएगा। तो आपने इसको ग्रो होने देना है। तो एक कटिंग मैंने काटी, उससे पत्ते भी ले लिए,
और पत्तों का हम सुखा के यूज़ भी करेंगे। और उसके बाद हमने ये तीन कटिंग्स लगा दी, और पीछे वाला जो पौधा है जहाँ से हमने कटिंग काटी है वहाँ से और ज़्यादा पत्ते टहनियाँ निकलेंगी और ये बुशी बनता जाएगा। अभी मैं आपको ये चीज़ बताता हूँ कि अगर आपने इसको इसी तरह लंबी स्टेम नहीं बनने देनी और चाहते हैं कि बुशी पौधा बने, तो उसको एक तो इनिशियली टिप से काट दें। ये देख, ये एक स्टीविया का पौधा है जिसकी ये टू स्टेम्स है। ये ऊपर से एक तो मैंने पिंच कर दी है ऐसे, अभी ये दूसरी वाली मैं इसको यहाँ से ये पिंच कर रहा हूँ। ये इस तरह से आप पिंच करके यूज़ कर लें, और बाकी जो पौधा है इसी हाइट पे ये साइडों से आप शाखें निकालेगा और बुशी पौधा बन जाएगा। और जो जो ऊपर बढ़ता जाएगा आप उसकी आगे से टिप्स काटते जाएंगे तो ये झाड़ीदार पौधा बन जाएगा। जिस तरह आप ये देख रहे हैं, ये वाला जो ये बेजल का पौधा है, तो इसको भी मैंने पहले ऊपर से टिप काटी, ये 5-6 टहनियाँ बन गई, ऊपर से कल परसों फिर काट दिया है, तो ये पूरा झाड़ीदार पौधा बन जाएगा। अच्छा जी, मैं कुछ चीज़ों को फटाफट रिपीट कर देता हूँ। इसका बीज नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी और मैक्सिमम मार्च, इन महीनों में ग्रो किया जाता है ठंडे मौसम में। आजकल इसकी कटिंग गर्मियों में जितनी मर्जी अच्छी आप लगा सकते हैं, जिस तरह मैंने आपको तरीका बताया। इसके पत्तों को इसी तरह आप हार्वेस्ट करके सायेदार जगह पे जहाँ रोशनी कम हो वहाँ पर इसको ड्राई करके उसको पीस के आप यूज़ कर सकते हैं। इसका जो एक चम्मच है चाय का, उसका आठवां हिस्सा जब आप एक कप में डालेंगे तो आपकी चाय मीठी हो जाएगी। इसके अंदर ग्लाइसेमिक इंडेक्स इसका 0 है, तो रिपोर्टेडली एंड रिसर्च के मुताबिक, गूगल के मुताबिक इसका जो इस्तेमाल है वो अभी सेफ डिक्लेयर किया गया है, और डायबिटीज़ के जो मरीज़ हैं वो इसको सेफली यूज़ कर सकते हैं, यानी कि मिठास भी इंजॉय कर सकते हैं और आप इसके मुजरात यानी कि चीनी खाने के वो भी आपको नहीं मिलेंगे। ओके, इसका जो वाइट शुगर भी इसकी मिलती है, स्टीविया शुगर वाइट कलर में जो कि प्रोसेस्ड होती है, वो भी सेफ कंसिडर होती है एज़ कम्पेयर टू वाइट शुगर, वो भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इससे आप चाय भी आप मीठी कर सकते हैं, शरबत भी मीठा कर सकते हैं, आप डिज़र्ट्स भी मुख्तलिफ बना सकते हैं, यानी कि खीर भी बना सकते हैं। जहाँ जहाँ चीनी से, शुगर केन वाली जो चीनी है उससे हम चीज़ों को मीठा कर सकते हैं, स्टीविया की शुगर से भी आप उसको मीठा कर सकते हैं। लेकिन एक बात ध्यान में रखिएगा, इसका टेस्ट आम शुगर जैसा नहीं है, थोड़ा सा फ़र्क है, थोड़ा सा मेडिसिनल या मेडिकेटेड सा इसका टेस्ट होता है, वो आपको बर्दाश्त करना पड़ेगा। जब आपको पता होगा कि हमें जिस सेहत का फ़ायदा हो रहा है तो वो टेस्ट आप बर्दाश्त करेंगे। जिस तरह दवाई खा लेते हैं सेहतमंद होने के लिए, तो सेहतमंद रहने के लिए ये थोड़ी सी जो वेरिएशन है टेस्ट के अंदर, ये आपको काबिल कबूल होगी। तो ये सारी वीडियो थी। इसके अलावा आपके जहन में कोई क्वेश्चन हो तो आप मेरे से ज़रूर शेयर कीजिएगा कमेंट्स में, और इंशाल्लाह जब सही मौसम आएगा इसके बीज ग्रो करने का, तो मैं बीज ग्रो करने की जो उसके अंदर जितनी डिटेल्स हैं वो सारी मैं शेयर करूँगा। अपना ख्याल रखिए, हैप्पी गार्डनिंग।